ャンチ。そうだ。テレビ。つけてもいいぞ。冒険アニメ。キャメラアングルス。ये टट्टी किसने की है? ये वाला नहीं, ये वाला। तो कैमरा एंगल सही नहीं हो तो कभी कभी वीडियो अच्छा भी लग सकता है और कभी कभी खराब भी। तो कैमरा एंगल्स इंपॉर्टेंट होता है हर एक बी रोल और ए रोल के लिए। तो लाइट के सामने रहा तो फेस परफेक्ट दिखता है और लाइट के पीछे तो देख ही सकते हो। तो आज 5 ट्रिक बताऊंगा कैमरा एंगल्स के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो चालू होने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बहुत बंदे आते हैं वीडियो देखते हैं बल्कि लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करते। तो जो नए हो और ओल्ड हो वो भी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ऑन पे कर देना। लेट स्टार्ट द वीडियो। तो पहला टिप कि ओपन कैमरा यूज करें। ओपन कैमरा ऐप प्ले स्टोर के एप्लीकेशन में मिलता है, ओपन कैमरा, तो वो यूज करो। उसमें ऑटो फोकस नाम से एक लॉक का आता है, ऑटो फोकस। तुम्हारा कभी कभी एक्सपोजर बढ़ जाता है, कभी कभी कम हो जाता है, लाइट का कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है वो। तो उसके कारण बहुत बार वीडियो कभी कभी खराब भी बन जाता है, कभी कभी अच्छा भी बन जाता है। ऑटो फोकस पे रहेगा तो मैनुअल फोकस दम रहेगा, जैसे तुम डाले हो वही फोकस पे हर जगह वही फोकस पे काम करेगा, तो ये याद रखना। तो बढ़ते हैं अपने सेकंड टिप के ऊपर। तो सेकेंड इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि कभी भी चीज़ को मिडिल में रखो या सेंटर में रखो, एंगल के सेंटर में। मैं स्क्रीन के सामने दो को वीडियो दिखाता हूँ, उसमें बताना आपको सबसे पहले फोकस किस पे गया। तो देखिए और बताना, तो देखो और बताओ मेरे को कमेंट में कि सबसे पहले फोकस आपका किस में गया। तो पहले वीडियो में आपको सबसे पहले फोकस चश्मा सामने था तो चश्मा पे गया होगा, और सेकंड वीडियो में तो चश्मा साइड में था तो उधर। तो जो भी चीज़ सेंटर में रहता है सबसे पहले ऑडियंस का फोकस सेंटर में जाता है। जो भी इंपॉर्टेंट चीज आपको दिखाना है वीडियो में तो वो सेंटर में रहना चाहिए। और तो बढ़ते हैं अपने थर्ड टिप्स के ऊपर। तो थर्ड इंपॉर्टेंट टिप्स ये है कि जब भी वीडियो बना रहे हो तो मल्टीपल शॉट्स रखो। तो मल्टीपल शॉट ज्यादा देखने में अच्छा भी लगता है, और सिंगल शॉट में सिर्फ सिंगल शॉट में उतना अच्छा भी नहीं दिखेगा। जैसे मैं स्क्रीन के सामने दो को वीडियो दिखाता हूँ, बताना मेरे को कमेंट में कौन सबसे ज्यादा अच्छा है। तो इधर जो राइट वाला होगा वो ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि उसमें पता चल रहा है कि आदमी छत पे पूरा तरीका से जा चुका है, और इसमें लग रहा है कि सिर्फ वहाँ तक गया है और बाकी का क्लिप तो है नहीं। तो जब भी वीडियो बनाओ तो सबसे ज़्यादा अच्छा मल्टीपल क्लिप्स रखो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये ध्यान रखना जब भी वीडियो बना रहे हो तो मल्टीपल क्लिप्स लो। तो बढ़ते हैं अपने फोर टिप्स के ऊपर। तो चौथा इम्पॉर्टेंट टिप्स ये है कि जब भी कोई चीज़ को इंट्रोडक्शन करवाना हो आपको, तो उसके लिए कम से कम मल्टीपल शॉट तो जरूरत पड़ता ही है, और उसके साथ उसको क्लोजअप शॉट पड़ता है। जैसे कि आप लोग स्टार्टिंग में क्लिप देखे होंगे जो मैंने लगाया था, किसी भी प्रोडक्ट का एड बनाना हो, जैसे कुरकुरे ये सब कुछ भी, उस समय ज़्यादा काम आता है ये सब। जैसे ट्राइपॉड में भी आता है, मोबाइल में उतना अच्छा ब्लर नहीं मिलता है, बाकी अच्छा अच्छा मोबाइल में अच्छा से ब्लर भी मिल जाएगा और क्लोजअप शॉट भी मस्त बन जाता है। क्लोजअप शॉट भी ट्राई करना। तो बस मेरा यही टिप्स है। और तो जिसको कोई भी सवाल पूछना है या फिर बात करना है तो इंस्टाग्राम अकाउंट है मेरा, तो उस पर आ जाओ और फॉलो कर लो भी उसमें, क्योंकि मैं हर सप्ते एक नए वीडियो डालते रहता हूँ। तो मिलते हैं इसी अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और मिलते हैं अगले वीडियो में। Till then, take care. Bye-bye.